कहानी सुनाने वाला हूँ 1800 साल पुरानी इमारत आया सोफिया की, जो हाल ही में एक म्यूजियम से मस्जिद में बदल दी गई है। मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार इस्तांबुल में क्यों है, आपकी कब्र मुबारक 800 साल बाद कैसे दरियाफ्त हुई। हम बात करेंगे दुनिया के सबसे पहले और 500 साल पुराने शॉपिंग मॉल की। हम देखेंगे इस्तकलाल एवेन्यू की रौनकें और तारीखी तकसीम स्क्वायर मॉन्यूमेंट। और दुनिया भर में मशहूर टर्किश खाने खाएंगे और जानेंगे कि टर्किश कज़ीन इतनी फेमस क्यों है। मैं करूंगा जदीद तुर्की की सैर और क्रूज से पार करूंगा अब नाय बास्फोरस। हम देखेंगे हजारों साल पुरानी रोमन एम्पायर की बाकियात और कुदरत के कुछ अजीबोगरीब करिश्मे। के साथ हम विजिट करेंगे विक्टोरियस चैंपियन इर्तुगुल गाजी के मकबरे की। अगर आप टर्की ट्रैवल का इरादा रखते हैं तो मेरा ये सफ़र आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है, क्योंकि मैं आपके बहुत से पैसे और वक्त दोनों बचाने वाला हूँ। अगर आप तुर्की का वीज़ा लगवाना चाहते हैं और आप जॉब करते हैं तो ये कागजात तैयार कर लें। अगर शादीशुदा हैं तो MRC और अगर गैर शादीशुदा हैं तो FRC लेटर, एम्प्लॉयर की तरफ से NOC लेटर और 6 माह की सैलरी स्लिप्स, पोलियो सर्टिफिकेट, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जो आप खुद भी कर सकते हैं और किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से ऑनलाइन भी करवा सकते हैं या आप जेरी के ऑफिस से भी करा सकते हैं, 4 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीरें, 6 माह की बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट जिसकी मियाद ख़त्म होने में कम से कम 6 माह अभी बाकी हों, टैक्स रिटर्न सर्टिफिकेट जो कि आप FBR की वेबसाइट से ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, और आखिर में कोविड टेस्ट जो आपकी फ़्लाइट से 96 आवर पहले के दौरानिए में कराया गया हो। और अगर आप बिजनेसमैन हैं, सबसे पहले आपको कंपनी लेटर हेड जिस पर आप अपना बिज़नेस का तारुफ़ करवाएंगे और अपने विज़िट की रीज़न बताएंगे। बिजनेसमैन के लिए आपको NOC लेटर और 6 माह की सैलरी स्लिप्स की ज़रूरत नहीं, जबकि बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स सेम हैं। ये तमाम कागजात जमा करें, तुर्की की ऑफिशियल वेबसाइट से वीज़ा फॉर्म डाउनलोड करें और फिल करें, जेरीज में कॉल करके अपॉइंटमेंट लें और फाइल जमा करवा दें। जेरी आपसे टोटल 14,600 रुपये फ़ीस लेगा और 14 वर्किंग डेज़ में आपका इंशाल्लाह वीज़ा लग जाएगा। लें जनाब, ये मैंने आपकी पहली 8 से 10 हज़ार रुपये की बचत करवा दी है जो ट्रैवल एजेंट को आपने देनी थी। टर्की ट्रिप स्टार्ट हो गया है और आज मेरे साथ हैं मेरे बहुत पुराने, जो कि आप शुरू शुरू में देखा करते थे, अब्दुलरहमान भाई। जी भाई जान, एक्साइटेड हैं और रात 2 बजे का वक्त है, चेक इन अभी हमने कर लिया और अब देखते हैं कैसा लगता है इसका। कोई नहीं किया चेक इन, ये देखें झूठ बोल रहा है, ये हम लाइन में लगे हुए। मेरा मतलब था अभी अभी आए हैं। अच्छा, तो इंशाल्लाह ये हमारा 10 से 11 दिन का प्लान है और इसमें हमने बहुत बहुत चीज़ें डिसाइड की हुई हैं, कुछ चीज़ों का वहाँ पर जाके पता चलेगा। तो इंशाल्लाह हमारी अभी 5:20 की फ़्लाइट है और 3 बजे हैं। विश लिस्ट बहुत लंबी है हमारी, देखिए हम इसमें से कितना फुलफिल करते हैं। ठीक है, हमारे साथ रहें, अभी हम अपना सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते चलेंगे। आपकी आसानी के लिए आपको एयरपोर्ट से डिपार्चर प्रोसेस भी बताता चलूँ। सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट और टिकट दिखाकर एंटर हो जाएंगे एयरपोर्ट में। एंटर होते ही सबसे पहले आप लगेज, हैंड कैरी और अपनी चेकिंग कराएंगे।
सामान की चेकिंग के बाद आप चेक इन काउंटर पर जाएंगे और सामान के वजन के बाद आपको बोर्डिंग पास भी दे दिया जाएगा। आपका लगेज वाला बैग बेल्ट से अंदर भेज दिया जाएगा जबकि हैंड कैरी आपके साथ ही रहेगा। बोर्डिंग कराने के बाद चौथा प्रोसेस पासपोर्ट कंट्रोल के केबिन में जाना होगा, जहां इमिग्रेशन वाले आपकी तफसीलात चेक करेंगे, आपको थोड़ी देर मशकूक नज़रों से देखेंगे और पासपोर्ट पर स्टैंप लगा देंगे। पासपोर्ट कंट्रोल के बाद आपको दोबारा एक दफ़ा स्कैनिंग के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। स्कैनिंग के बाद आप फ्री हैं, टिकट से गेट नंबर देखें और इसी गेट के पास जाकर बैठ। Finally, we reached Istanbul Airport और बड़े ईजीली हमें अपना बैग भी मिल गया। और ये इतना बड़ा एयरपोर्ट है, 25 नंबर गेट से हम एंटर हुए हैं और एक गेट में 25 बेल्ट। हम चाह रहे हैं कि हम बहुत सस्ते में पहुँच जाएँ अपने होटल, तो इसलिए हमारी कोशिश है कि हमें टैक्सियाँ लेनी पड़े। अच्छा। और हम बस से पहुँच गए। अच्छा, शुक्र है आपने पैदल नहीं कह दिया, सस्ते में। मोस्ट ऑफ़ द टाइम जब आप अब्रॉड जाते हैं तो सबसे पहले जाके सिम खरीदते हैं, क्योंकि आपके घर वाले भी वेट कर रहे होते हैं कि आप उनको अपना लैंडेड सेफली का मैसेज भेज दें। तो अभी हम तुर्कसेल पे आए हैं। यहाँ पे मिनिमम जो सिम है वो 220 लीरा की है, जो कि तकरीबन 6000 के करीब बनता है पाकिस्तानी, और इसमें 25 GB डाटा आपको मिल जाता है, जो कि आपके टूर के लिए मोर देन इनफ होता है। यहाँ पे वोडाफोन है, तुर्क टेलीकॉम है और तुर्कसेल है। तो लास्ट टाइम मैंने तुर्कसेल लिया था, मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहा था। मेरी सुबह 5:20 की लाहौर से डायरेक्ट इस्तांबुल की फ़्लाइट थी और जहाज़ लाहौर से उड़ान भर के क्वेटा के करीब से अफ़गानिस्तान में दाखिल हुआ और कंधार से होता हुआ ईरान के शहर मशहद के ऊपर से गुज़रा। यहाँ से ईरान क्रॉस करके कैस्पियन सी से गुज़र कर एनातोलिया रीजन में दाखिल हो गया। एनातोलिया में दाखिले के बाद इस्तांबुल पहुँचने में तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगा और मैंने टोटल 4,370 किलोमीटर का सफ़र तय किया, जिसमें 5:40 लगे। लोकल जाने का तरीका है वो ये है कि हवा बस चलती है, ये पीछे आप देख रहे हैं इस बस को, ये आपसे 25 लीरा पर पर्सन चार्ज करती है, जो कि आपको तकसीम स्क्वायर तक लेके जाती है अस्कराए, और इसमें जितने भी फेमस एरियाज हैं आपको वहाँ पे ड्रॉप करती है। आपकी जो टैक्सी है वो आपसे चार्ज करती है फती जाने के 150-160 लीरा, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने बेसमेंट में जाना है, बेसमेंट में आपको ये बस मिल जाएगी, बेसमेंट में आपको जाने के लिए मिलती है और ड्रॉप आपको ये फर्स्ट फ्लोर पर करते हैं। तो आपका जो 150 लीरे वाला काम है वो 25 लीरे में हो जाता है, तो मैंने आपके 125 लीरे बचा दिए हैं। तो अब आप इसी खुशी में मुझे सब्सक्राइब कर दें, और अगर ज़्यादा मोहब्बत चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे मुझे इजी लोड कर।
हमारा रूम है, बड़ा कूजी सा और ब्राइट सा है। और ये अब्दुलरहमान साहब मास्क उतार के अपने मास्क उतार के जिंदगी में आए और सांस लेना बड़ा आसान हो गया। हाँ, ये कानों से सांस लेते हैं, उल्टा लगाओ सीधे हो जाएंगे। रूम इज वेरी गुड, कॉम्पैक्ट है लेकिन बड़ा अच्छा है, मजे का है। 2 घंटे का रेस्ट कर लिया है और फ्रेश हो गए हैं, देखें हम चिट्टे गोरे लग रहे हैं, चमक गए हैं। और आज का प्लान जो है वो कहीं किसी खास मॉन्यूमेंट या किसी जगह पे जाने का नहीं है, वो ऐसे कि अभी शाम होने में 3-4 घंटे हैं तो हम सिर्फ बाज़ार और स्ट्रीट्स करेंगे, इसकी एक्सर्शन करेंगे, यहाँ पे इनको एक्सप्लोर करेंगे और साथ खाएंगे खाना। बहुत भूख लगी हुई है, मैं तो चाहूँगा कि पहले खाना खाएँ उसके बाद पैदल मार्च चलें। हाँ, ये भी सही है, पहले पेट पूजा थे फिर कम दूजा। तो इस्तांबुल की गलियाँ सारी घुमाएंगे फिराएंगे और दिखाएंगे। इसमें इस वक्त हम फतेह के एरिया में हैं, यहाँ पे इनका अंदरून इस्तांबुल समझ लें। तो यहाँ पे वॉक करते हैं और चेक करते हैं। ओके, इलाका Anything special? We have Turkish regular kebabs, Turkish pizza, some regular Turkish kebabs. Okay. Some pita also, tasty kebabs, beyti, Ortaklar special, İskender döner. Do you have İskender kebab? Yeah, we have. After this İskender kaldı mı? Yes, we have. Okay, done. मैंने तो अपना इस्कंदर कबाब फाइनल कर लिया, बाकी अब्दुलरहमान साहब देखते हैं और फिर करके ट्राई करते हैं। यूजन है बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, पैसों को ले गए या वैरायटी को ले गए?
खाना हम लोगों ने खा लिया था और सुल्तान अहमद एरिया एक्सप्लोर करते करते अब हम आ गए हैं हसन पाशा स्क्वायर पे। ये भी बड़ा बिजी और इनका एक कॉरपोरेट एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑफिसेज हैं। समंदर यहाँ से बिल्कुल करीब है, राइट साइड पे जितनी भी गलियाँ हैं वहाँ से आपको डेप्थ पे नज़र आता है, तो साथ रहिएगा। और नॉन स्टॉप हमारा ट्रैवल चल रहा है, होटल पहुंच के भी हमने ज़्यादा स्टे नहीं किया और हम लोग गए हसन पाशा स्क्वायर और वो सारा एरिया एमिनोनों का और सुलमानिया मॉस्क के पास से गुजरे। ग्रैंड बाज़ार भी देखा बाहर बाहर से, अभी इन डिटेल अंदर नहीं गए, अभी वॉक थी और अब हम वापस आए हैं रास्ता बाज़ार में खड़े हैं, साथ ही हमारा होटल है। दोपहर का हमने लंच किया ब्रीफ सा, लेकिन ये है कि जितना हम चले हैं लंच में निकल गया और सुबह वाला नाश्ता भी गायब हो गया। हाँ तो ठीक है, 3 किलोमीटर ही कहा था मैंने, 3 किलोमीटर की जगह 7 किलोमीटर आज हम चले। मेरी ऐप ने मुझे बता दिया कि अगले 3 दिन तुमने चलना नहीं है तो अब देखिए नेक्स्ट 3 दिन क्या होता है। आज हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट की है, रात को भी निकले बजे बगैर सोए हमने आज सारा दिन भी अटेंड किया है, इस्तंबुल के बाज़ारों को देखा है। तो इंशाल्लाह आज का डे यहीं पे एंड होता है, कल इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके, सी यू, बाय बाय।